हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। और आप सब लोग कैसे हैं बताइएगा। मैं तो बहुत अच्छी हूँ और अपना सुबह का मॉर्निंग व्लॉग लेके आ गई हूँ। तो काम हो चुका है पूरा और नहा के मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो नवरात्र का दूसरा दिन है और मैं चालीसा पढ़ती हूँ, दुर्गा चालीसा, तो वही मैं पढ़ूंगी। और आप लोग को ब्लॉग कैसे लगते हैं बताइएगा। अच्छे लगते हो तो प्लीज़ ज़्यादा से शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, तो आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो अब मैं ना दुर्गा चालीसा पढ़ूंगी और आप लोग भी सुनिएगा पूरी दुर्गा चालीसा। ओम सर्वमंगली मंगलाय शिवे सार्थक साधुके सर्वमिति कोटि नारायण नमोस्तुते नारायण नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुकृति, नमो नमो अम्बे दुखहरणे, निराकार हे ज्योति तुम्हारी, देह लग फैली उजियारी, शशि ललाटमुख मा विशाल, नेत्र लाल भूपति विकराल, रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श कर जन अति सुपावे। तुम संसार शक्ति ले कीना, पालन है तू अन्न धन रीना, अन्नपूर्णा हुई जग पाला, तुम्हें आदरी सुंदरी भाला, प्रलकाल शबनाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम रे गुणगावे, ब्रह्म विष्णु तुम ही त्रिया, रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुधीर सुमरी उभारा, धरो प्रकट भाई फाड़ कर खंभा, रक्षा करी धरा बचायो, हृण कश को स्वर्ण पठायो, लक्ष्मी रूप दर माही, श्री नारायण अंग समा, शीर सिंधु में करत विलासा, दे सिंधु दीजे मन आशा, हिंद राज में तुम विवानी, महिमा अमित अजात बखानी, मातंगी दूमती माता, भुवनी श्री गर्ग सुदाता, श्री भैरव तारा जग तरणी, छिन्न भालो दुख निवारणी, कहीं वहां सो भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी, कर में कब पर खंड विराजे, जागो दे काल डर भागे, सोर असुर और त्रिशूला, जाते उठे शत्रु ही शिवला, नगर कोट में तू ही विराजे, तिलोक में डंका बाजे, शंभुनि शंभु दानव तुम मारे, रक्त बीज शंकर सहारे, महिषा सुनत अति भवानी, जय जय आद भर मई उपलानी, रूप काल का काल का धार, सेन सहित तुम तिह सहारा, परिगाठन संतन पर जब जब भय सरमा, तुम तब तब अमर परि और बादल लोक का, तब महिमा सब रहे अशोक, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो ये शिकावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, थावे तुम्हें जो नर मन मा मन लाए, जन्म मरण ता को छुप जाए, जोगी सुमन कहे पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर अचल ताप कीनो, काम क्रोध जीतियो सब लीनो, निज दिन ध्यान ध्रो शंकर को, कहो काल नहीं समझे तुमको, शक्ति रूप को मरण न पायो, शक्ति गई तम मन पछतायो, शरण हो तुम्हें कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भगवान, भय प्रसन्न आदि जगदम्बा, दे शक्ति नहीं कीने विलंब, मोह को मातु कष्ट अति घेरे, तुम बिन कौन हरे दुख मोरे, करो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला, जब लागे दे फल पावे तुम्हरे यश, सदा सुनाओ दुर्गा चालीसा, जो निज गावे सब सुख भोग, परम पद पावे, देवी दर्शन नि जानी, करो कृपा जगदम्बा भवानी, करो कृपा जगदम्बा भवानी। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो चुकी है और यहाँ पर ये हैंकी जो है टॉवल है, किचन टॉवल, इसी को मैं टक करके और अपना रूटीन शुरू करती हूँ। तो कपड़े धोना है मुझे, तीन चार साड़ियाँ इकट्ठी हो गई हैं तो उनको धोऊंगी, तो मशीन लगाऊंगी क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं, व्रत है, तो बस खाली पेट ज़्यादा काम नहीं होता है और वैसे भी मुझसे अब व्रत नहीं रखा जाता है। तो यहाँ पर दूध बॉयल कर लेती हूँ और चाय बनानी है। एक बार तो चाय पी चुकी हूँ मैं। यहाँ पर ये हरी मिर्ची ली थी, इसके डंठल तोड़ के इनको मैं धो के और रख देती हूँ, क्योंकि डंठल के साथ में हरी मिर्ची ना जल्दी ख़राब होती है, इसलिए इनको धो के और इसके डंठल निकाल दूँगी तो ये काफ़ी समय तक चलेगी। तो बस एक तरफ मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया और एक तरफ चाय चढ़ा दी है। तो बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप फेस कवर करके वीडियो क्यों बनाते हो, तो कोई इसका कोई खास रीज़न नहीं है। और यहाँ पर ये दूध बॉयल हो रहा है, मिर्ची के डंठल भी तोड़ लेती हूँ और आप लोगों से बातें भी कर लेती हूँ, तो कोई इसका कोई खास रीज़न नहीं है कि मुझे फेस कवर का मतलब मास्क लगा के या फेस कवर करके वीडियो बनाने का कोई मतलब खास रीज़न है, बस इसी ऐसे ही बनाती हूँ मैं। और जिस दिन मेरे वीडियो अच्छे वायरल हो जाएंगे, जिस दिन आप लोग मुझे इतना प्यार दोगे कि मेरा एक नाम हो जाएगा, उस दिन मैं फेस मतलब फेस वीडियो बनाया करूँगी, ये मेरी सोच है, इसलिए मैं अभी फेस वीडियो नहीं बनाती हूँ और बस और कोई खास कारण नहीं है। तो बस मैं एक मुकाम चाहती हूँ, बस उस मुकाम पे मैं पहुँच जाऊँ, वहाँ से फिर मेरे फेस वीडियो बनने लग जाएंगे। तो यहाँ पर मैं कपड़े धो लेती हूँ, मशीन को खसका लेती हूँ, तो बस यही कारण है, इस वजह से मैं अभी अपने फेस वीडियो नहीं बना रही हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं कि ये एक मतलब थोड़ा रिस्की है, मतलब इस तरह से फेस को कवर करके वीडियो बनाते हैं तो आपके चैनल को मतलब कुछ हो सकता है। तो जो किस्मत में है उससे ज़्यादा और उससे कम किसी को नहीं मिलता है, तो सब किस्मत पे छोड़ देना चाहिए, और हमने किसी के साथ अच्छा करा तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा, और फिर आगे किस्मत है कि किस्मत में क्या लिखा है। मेहनत तो कर रही हूँ मैं और वो मेहनत मेरी सफल हो जाए, बस यही मैं चाहती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने ये हरी मिर्ची को धो दिया है और बस उसको रख दूँगी हवा में।
तो अभी इसका थोड़ा पानी निकल जाएगा, उसके बाद इसको मैं थोड़ा हवा में रख दूंगी पेपर पे डाल के, तो ये सूख जाएगी और उसके बाद इसको फ्रिज में रख देंगे। तो यहाँ पर मैं बर्तन जमा लेती हूँ, बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, ज़्यादा बर्तन नहीं है क्योंकि अभी हाउ टू मेक के लिए मैंने रेसिपी नहीं बनाया है। तो हाउ टू मेक के लिए भी मैं रेसिपी बना रही हूँ, तो एक ही जो बैटर है उससे मैं तीन तरह की रेसिपी तैयार करूँगी, तो आप मेरे हाउ टू मेक पर जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं बर्तन जमा के और ये बर्तन धो के उसके बाद मेरी अपनी रेसिपी के लिए तैयारी करूँगी। तो इस तरह से मैं पूरा मैनेज करती हूँ, मतलब रेसिपी भी बनती रहती है साथ में हाउ टू मेक के लिए, और साथ में ही यहाँ पर मेरा काम भी होता रहता है। तो यहाँ पर ये बर्तन धो लेती हूँ, और ये देखिए, हाँ ये फिश पॉट साफ करना था मेरे को, तो इसको मैंने कर लिया था लेकिन बताया नहीं मैंने आपको क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता, बहुत दिनों से सोच रही थी करूँ करूँ करूँ। और पूरा वीडियो वॉच करिएगा, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो पूरा वॉच करिएगा, बहुत बहुत मतलब अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक और होता ना तो ये मछलियाँ पता नहीं क्या होता है इनको। तो आप वीडियो ज़रूर वॉच करिएगा, इन मछलियों ने क्या करा ये मैं आपको दिखाती हूँ आगे वीडियो में। तो यहाँ पर ये कपड़े धुल गए हैं मेरे, तो ये पूरा व्यवस्थित कर देती हूँ, थोड़ा गीला गीला हो रहा है क्योंकि मैं ही फिसलते फिसलते बचती हूँ कई बार। और फिसलने के बाद हम लोग चारों तरफ देखते हैं कि कहीं किसी ने देखा तो नहीं है हम लोगों को कि हम गिरने वाले थे, तो बस वही कंडीशन मेरे साथ भी होती है। और यहाँ पर मैं हाथ साफ कर लेती हूँ इस किचन टॉवल से, और चलते हैं अब किचन में चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो ये बड़े कप हैं ये चाय के हैं, हम सबके अपने अपने कप हैं ये। तो यहाँ पर मेरे हाउ टू मेक की रेसिपी बन गई है, फराल बन चुका है। तो यहाँ पर मैं अलग ही बिछाती हूँ मेरा अपना, आप अगर हाउ टू मेक पे नहीं गए तो एक बार जाके ज़रूर देखिएगा हाउ टू मेक बाई गायत्री चैनल पर। तो वीडियो को मैं फिर से कह रही हूँ आपको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि जो मेरी मछलियाँ हैं ना उनने आज कमाल कर दिया है, मैं तो डर गई थी बस। और यहाँ पर ये थोड़ा सा व्यवस्थित कर देती हूँ, तो मतलब सुबह अभी मैंने ज़्यादा कुछ खाने में बनाया नहीं था, और ये जो दूध गर्म होने के लिए रख देती हूँ, और वहाँ पर जो घी का बनाया था मैंने तो घी का बर्तन में धोने में रख दूँगी। यहाँ पर ये पानी गर्म होने के लिए रखा है, और ये काट देती हूँ पपीता, तो पपीता देना है बच्चों को काट के और वो खा लेंगे पपीता, क्योंकि बहुत दिन हो गया इसको रखे रखे, तो मैंने सोचा इसको काट देती हूँ तो इन लोग खा लेंगे। और ज़्यादा दिन रखा, अभी तो अंदर फ्रिज में रखा था ना तो थोड़ा सेफ़ है ये, नहीं तो बाहर रखा रहता हूँ तो ख़राब हो जाता पूरा। और एक भी इसमें बीज नहीं निकला था, मतलब बिल्कुल बिना बीज का पपीता था ये। और यहाँ पर ये पपीता मैंने काट दिया है, इसको फ्रिज में रख दूंगी, बच्चे अभी थोड़ा लेट खाएंगे। तो बस यहाँ पर मैंने चाय बनाई है, ये अभी इवनिंग का समय है, शाम का समय है, तो बस अब मैं चाय बनाई है और बच्चे और मेरे लिए ग्रीन टी बनाया है। तो दोपहर में तो मैंने आपको पता ही है कि फराल बनाया था और बच्चों ने भी वही खाया था, और इन्होंने खाई थी पालक बेसन की सब्जी से रोटी। तो यहाँ पर ये नाश्ता दे रही हूँ मैं, तो शाम का टाइम है इवनिंग का। और यहाँ पर मैं बिस्किट देख रही थी कहीं खुला पैकेट तो नहीं पड़ा है, तो चलिए आप लोग भी आ जाइए। और ये देखिए, यहाँ पर मैं क्या फिश पॉट को धो के, और थोड़ी देर मैंने कहा बाद में इस पर वो करूँगी, ये फिल्टर और ऑक्सीजन पंप बाद में लगाऊंगी। तो ये मछलियाँ इतनी डरपोक है कि जरा सी तेज़ आवाज़ भी होती ना तो फट से इधर उधर भागने लगती हैं ये। तो बस मैं देखिए किस तरह से भागने लगी है, मतलब पता नहीं इतनी डरपोक की रहती है मछलियाँ। और ये मैंने चेक करा था, मैंने कहा कहीं ज़्यादा वो तो नहीं हो रहा, तो मैंने कहा ये ऑक्सीजन पंप लगा दूँ मैं। तो ये जैसे ही मैंने ऑक्सीजन पंप लगाया है ना तो ये तो एकदम बेचैन हो गई, और इनमें से एक मछली देखी क्या हुआ ये निकल गई, और मैंने फट से उसको उठा के अंदर डाला, और मैं डर गई, मैंने कहा कि उसको लगी तो नहीं नौ, मतलब नोटे में कहीं उसको, मैंने कहा मर मुरा जाएगी तो लो। तो मैं उसको देख रही थी, मैंने कहा उसको लगी तो नहीं कहीं क्योंकि इतनी ऊपर से नीचे गिरी है वो, तो क्या नीचे चटाई बिछी हुई थी, और देखिए पूरी साड़ी मेरी गीली हो गई है, और मुझे भी बाद में हंसी भी आ रही थी, तो बच्चे देख रहे थे तो वो भी घबरा गए, मम्मी मम्मी कहीं लगी तो नहीं उसको, कहीं लगी तो नहीं, मैंने कहा ये तो मैंने कहा बिल्कुल वो है बिल्कुल डरपोक। मैंने कहा फट से आके वो पानी में से, वो क्या पानी ऊपर तक भरा हुआ है ना, तो फिर वो ऐसे कैसे उछल के बाहर आ गई। और अभी ऑक्सीजन पंप चलाऊंगी तो भी वो है ना एकदम से, देखिए एकदम से डरती हैं, बहुत ज़्यादा डरती हैं ये। और यहाँ पर मैंने ये देखिए ऑक्सीजन पंप लगाया है तो एकदम से मतलब भगती हैं, इनको पता नहीं जाने क्यों इतना डर लगता है, देखिए किस तरह से डर रही। तो मुझे ऑक्सीजन पंप बंद करना पड़ेगा, बच्चे बोल रहे हैं मम्मी बंद कर दो, अभी वो घबरा रही होंगी। सही बात, तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूंगी, और अब मैं इनको ही देखती रहूंगी, ये ऑक्सीजन पंप बंद कर देती हूँ क्योंकि बहुत इधर उधर भाग रही है ये। तो आज का व्लॉग कैसा लगा आप लोग को बताइएगा, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।